हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व मैथमेटिक्स थर्ड। BT 401 का पेपर है जो कि 24-24 जुलाई को RGPB का होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस पेपर को किस तरह से हम आसानी से 3 आवर्स में कंप्लीट कर सकें। मेन पॉइंट ये है क्योंकि तो पेपर थोड़ा लेंदी रहता है कि पूरा पेपर हमारा जो डिपेंड है वो हमारे कैलकुलेटर पर डिपेंड है। हम अच्छी तरीके से कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कर लें, हमारे पास अभी टाइम है और हम आराम से एक एक स्टेप करें क्योंकि इटरेशंस ज्यादा रहती हैं। तो इटरेशन हमारी गलत ना हो इसके लिए हमारा कैलकुलेटर पर हमारी प्रैक्टिस होना कंपलसरी है। और बिल्कुल अच्छी तरीके से करें, एक एक स्टेप करें और आराम से करें आप एग्जाम में, ठीक है। तो आज हम अपने वीडियो में जो लेके आए हैं सिर्फ स्टूडेंट के लिए मैं आया हूँ, और खासकर वो स्टूडेंट जो बिल्कुल N3 में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं वो बिल्कुल एक एक स्टेप हमारे वीडियो में जरूर ध्यान दें। और उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि हाउ टू सॉल्व मैथमेटिक्स थर्ड। तो 3 घंटे में हम सिर्फ और सिर्फ M3 का पेपर किस तरीके से सॉल्व करें, है ना, ये चीजें हम वहां पर ध्यान रखनी है। हर पॉइंट में आपको सारी चीजें ट्रिक एक एक करके बताऊंगा जिसपे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। हम स्टार्ट करने वाले हैं हाँ अपना जो आज का वीडियो है हाउ टू सॉल्व मैथमेटिक्स थर्ड, है ना। तो ये पूरा जो वीडियो होगा आपका ये पूरा डिपेंड होगा किस पर कि कैलकुलेटर हम कैसे अच्छी तरह से उसको हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे बड़ी बात है कि हर यूनिट में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आने वाला है उस पर हम थोड़ा जरूर चर्चा करेंगे। और मैं ये जो पूरा जो PDF है मैं अपने उस पर यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें कि भाई मैथमेटिक्स थर्ड में सबसे पहले कि कौन सी यूनिट है जो हम ज्यादा नंबर ले ला सकते हैं ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 हमारी सबसे अच्छी यूनिट है क्योंकि हम इस पर सबसे बात इसलिए कर सकते हैं कि ये यूनिट हमें टोटल 28 मार्क्स जो कि हम बात करने वाले हैं इस पर 28 मार्क्स है जो कि हमें यूनिट ये देगी, है ना। अब हम सबसे पहले देखो आपको याद रखना होगा इस पूरी यूनिट में आपको थोड़ी सी डेफिनेशंस जरूर याद रखनी होगी, जैसे कि शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होते हैं, बैकवर्ड ऑपरेटर क्या होते हैं, सेंट्रल मत करना क्योंकि सिलेबस से हट चुका है ना, तो सेंट्रल मत करना, यूज भी हम लोग नहीं करेंगे। एवरेज ऑपरेटर म्यू की हम बात कर रहे हैं, ये आराम से आप थोड़ा सा पढ़ जरूर लेना, है ना, क्योंकि इनके ऊपर ही सारा एक क्वेश्चन 7 नंबर का बनने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास 3 मेथड है, कौन सा है भाई, बाइसेक्शन मेथड है, ठीक है। ये जो बाइसेक्शन मेथड इनके ये क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन हम मैं बात करने वाला हूँ ये आप जरूर कर लें ये वाला, है ना। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप कैलकुलेटर में ये जरूर निकाल लें कि भाई अगर क्यूबिक तक रूट्स हैं हमारे, क्यूबिक मतलब इक्वेशन है क्यूबिक, है ना, तो उसमें ये जरूर चेक कर लो कि भाई इसके रूट्स क्या हो सकते हैं। आराम से आप कैलकुलेटर में जाइए, प्रेस करिए, है ना, मॉड को 3 टाइम प्रेस करिए, आपके वहां पर इक्वेशन लिखा आएगा, इक्वेशन को आप 1 से प्रेस करिए, इक्वेशन के नीचे 1 लिखा होगा, अब वो मांगेगा 1 एंड 2, आप बिल्कुल मत प्रेस करिए, आप ना दोबारा मॉड में जाइए, वहां पर प्रेस करेंगे डिग्री लिखा आएगा, डिग्री को 2 और 3 में से 3 है तो 3 को क्लिक कर दीजिए, वहां पर ABCD की वैल्यू आएगी, जो भी अगर क्वाड्रेटिक है तो ABC आएगा, अगर है तो ABCD आएगा, है ना। तो चारों वैल्यू पुट कर दें, देन इक्वल 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 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएंगे। तो अगर मान लो फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है ये, मैं बाइसेक्शन न्यूटन रैप्शन और रेगुलर फॉल से तीनों के लिए बता रहा हूँ, अगर फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है तो आपको क्या करना होगा उसमें कि 0 से स्टार्ट करिए, 0, 1, 2, 3, 4, तो वहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये ना इसके रूट्स ना नेगेटिव पॉजिटिव बीच में लाई करने वाले हैं, तो 0, 1 के बीच में लाई कर जाए, 1, 2 के बीच में लाई, तो नियर जो सबसे होगा वो उस पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई किसके बीच में रूट लाई कर रहा है। तो ये तीनों के आप फॉर्मूले अच्छी तरह से पढ़ लें, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, और इसको फॉल्स पोजिशन मेथड भी बोलते हैं। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके आप वहां पर देख सकते हो। न्यूटन रैप्शन सबसे ज्यादा जो आप प्रेस डालेंगे, फॉल्स पोजीशन या से हम बोल सकते हैं रेगुलर फॉल्सी, और न्यूटन रैप्शन मेथड पे जिसमें से ये x log base 10x = 1.2 या x log base 10x - 1.2 = 0,
ये बिल्कुल मैंने दोनों में दिया, रेगुलर पॉलिसी से भी आता है और ये न्यूटन रैप्सन से भी चला आता है। अच्छा, जो जो साइन और कॉस के जो क्वेश्चन होंगे ना, उन पर थोड़ा ध्यान देना, उनको आप पहले ही ना आरईडी में कन्वर्ट कर देना, रेडियन में, तो आपके आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट चले आएंगे। क्लियर? तो ये न्यूटन रैप्सन और रेगुलर पॉलिसी विशेषकर बिल्कुल ध्यान देते जाए। ये मैं पीडीएफ डाल भी दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेगेटिव रूट बाई न्यूटन रैप्सन मेथड। तो देखो, नेगेटिव रूट्स में सबसे अच्छा है कि आप पहले से रूट निकाल लो, कैसे, कैल्सियम में जाए ना, कैल्सियम जा करके, जैसे मैंने भी ट्रिक बताई है आपको, एक्स क्यू माने 21 एक्स, यहाँ से रूट्स आ जाएंगे आपके, 3 रूट्स आएंगे, तो एक -15.6 होगा उसमें से। तो ये आपने देखा कि भाई -15.6 है, तो -15.6 रूट लाई बिटवीन -15 एंड -16। तो आपको एग्जाम में ये ट्राई नहीं करना कि भाई आपने 0 पर चेक किया, -1 -2 -3 -4 अप 2, भाई आएगा नहीं वो कहीं, क्योंकि तो नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए। तो आप -15 पे नेगेटिव और -14 पे पॉजिटिव आ जाएगा, आप देखोगे कि रूट लाई बिटवीन -15 और 16। तो आप ये सारी चीजें जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये आप पहले से ही निकाल लो, सबसे अच्छा है कि भाई कैलकुलेटर से निकालो, अगर क्यूबिक है तो। लेकिन मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 4 और 5 में ये नहीं लगेगा, जो मेरी ट्रिक है वो क्यूबिक तक है। तो क्यूबिक में आप रूट्स पहले निकाल के रख लो, उससे बेनिफिट होगा कि आपके रूट पता चल जाएंगे, तो आप उन दोनों के बीच में रूट लाई करेगा, है ना, ये चीज याद रख। ऐसे ही इवेल्युएट √12, √27, ऐसे क्यूबिक ऑफ √27, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आराम से आप उनको निकाल सकते हैं फंक्शन। मैंने जैसे बात की थी शुरू में कि भाई ये ऑपरेटर पे थोड़ा सा क्वेश्चन बनेंगे, ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये सारे ऑपरेटर्स पे है, इनको थोड़ा सा आप जरूर कर लें, 8 9 10, ठीक है ना। अब बात करते हैं सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन की। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मैंने पहले ही बताया कि ये यूनिट 1 जो है, ये आपकी जो पूरी 28 मार्क्स की है। क्लियर? ठीक है, यहां से आपको अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन की। तो फैक्टोरियल नोटेशन में आप ना इनको कन्वर्ट डायरेक्ट कर सकते हो बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। क्लियर? और अब बात बात करते हैं, हमारे पास 2 इंटरवल है, एक है अनइक्वल इंटरवल, एक है इक्वल इंटरवल और अनइक्वल इंटरवल। तो अनइक्वल जो मेथड, इक्वल के लिए आपके पास, मैं एक बार थोड़ा सा आपको ना यहाँ पे चलता हूँ, कहाँ पर ये क्लियर मैं शेयर करता हूँ, थोड़ी सी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अनइक्वल और इक्वल, देखिए जो इक्वल है इंटरवल में, आप यहाँ थोड़ा ध्यान देना है ना, इक्वल इंटरवल में आपके पास 2 मेथड है, एक है न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन फॉरवर्ड फॉरवर्ड मेथड है ना, और है एक न्यूटन बैकवर्ड, ये इक्वल के हैं, न्यूटन बैकवर्ड। क्लियर? अच्छा, जो न्यूटन फॉरवर्ड है वो जब भी वैल्यू पूछे नियर बिगनिंग के लिए, नियर द बिगनिंग है ना, और नियर द एंडिंग, एंडिंग के लिए यूज करना है। जैसे मान लो ये टेबुलर फॉर्म है एक्स और वाई, जैसे मान लो इक्वल की बात करें तो 0 5 10 15 और ये 20, मान लो 5 5 का डिफरेंस है ना, तो ये मान लो कुछ भी वैल्यू, मान लो 5 10 25 जो भी 3 एंड समथिंग 5 मान लो, तो ये मान लो जैसे नियर 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू 0 5 के बीच में यहाँ लाई कर रही है, मान लो फाइंड द वैल्यू ऑफ F4 पूछ रहा है, तो नियर द बिगिनिंग हो गया, तो न्यूटन फॉरवर्ड यूज करना है। अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 पूछ ले, मान लो यहाँ यहाँ पर पूछ ले एफ ऑफ 18 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो न्यूटन बैकवर्ड का यूज करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो न्यूटन फॉरवर्ड यूज होगा नियर द बिगिनिंग के लिए, और जो न्यूटन बैकवर्ड है वो नियर द एंडिंग, एंडिंग मतलब टेबल के सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो आपको यूज करना है न्यूटन बैकवर्ड। अगर स्टार्टिंग में वैल्यू पूछी जा रही है, क्योंकि तो इंटरमीडिएट वैल्यू है ये सारी, क्या है एक टेबल दी होगी, टेबल के मिड में कहीं ना कहीं वैल्यू पूछेंगे वो लोग, है ना। पहले अपने पास सेंट्रल भी था तो, लेकिन सेंट्रल सिलेबस से हट गया है, तो उसको आप बिल्कुल मत करना। तो इक्वल के लिए 2 मेथड याद रख लो कि न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड है, ठीक है। और नेक्स्ट है, हम बात करेंगे किसकी, अनइक्वल की, अनइक्वल इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल है ना, इसलिए मैं समझाता जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास 2 ही मेथड, इसके भी 2 मेथड हैं, इन दोनों में से एक ही मेथड आएगा क्योंकि 28 नंबर है। तो फर्स्ट जो है हमारा न्यूटन डिवाइडेड
डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है ना। और इस ये यूनिट अच्छी है, बहुत अच्छी है, से आप हम 21 मार्क्स निकाल सकते हैं। और लैग्रांजेस लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, पोलेशन फॉर्मूला, तो ये जो टेबल होगी वो कैसी होगी बताओ भाई। एक्स वाई, जैसे इसमें इंटरवल सेम नहीं होंगे, जैसे मान लो 0 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद मान लो 12 आ गया, तो वो 0 5, अगर आप डिफरेंस की बात में 5 माइनस 0 7 माइनस 5 2 हो गया, 5 14, 12 माइनस 7 5 हो जाएगा, है ना। ऐसे डिफरेंस इक्वल नहीं होने वाले, तो इसमें आप इंटरवल का ही देखना कि भाई इंटरवल क्या है। इंटरवल मान लो कि भाई अनइक्वल है, तो आपके दिमाग में से दो फॉर्मूले दिमाग में आएंगे, क्या आएगा भाई, संजय सर ने बताया था कि न्यूटन डिवाइडेड और लैग्रांजेस, में कोई भी यूज कर लो भाई, नेम देता है तो फिर आपकी प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। अगर भाई नेम नहीं देता है, सिर्फ इंटरवल दे दिया उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लो उन्होंने निकलवा लिया 9, f(9), 9 कहाँ हो रहा है, यहाँ मिडिल का, इसमें आपको मिड देखना है ना, आपको बिगनिंग देखनी है, कुछ भी नहीं देखना है, तो आराम से आप डायरेक्टली निकाल दो f(9) बाई न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, क्लियर। तो ये दो चीज हमने आपको बताई, यहाँ से आपको नंबर निकालने हैं, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ये, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, इंटरपोलेशन हो गई, ये मैंने इसलिए बता दी कि ताकि आपको आसानी से आप उसको कर सकें। ये देखो सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, 2.1 की वैल्यू, ये मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू को आप न्यूटन फॉरवर्ड से करके आना। देखो 1 मिसिंग है तो 1 इक्वेशन आएगी, 2 मिसिंग है तो 2 इक्वेशन आएगी, 3 मिसिंग है तो 3 इक्वेशन आएगी, है ना, ये याद रखना। जो लास्ट की वैल्यू डेल्टा की पावर ऑफ एन इज y इज इक्वल टू 0 रखना पड़ता है, जो थर्ड लास्ट कॉलम है उसको इक्वल टू 0 के इक्वल टू पुट कर दो, तो आसानी से 1 मिसिंग में सिर्फ 1 इक्वेशन आएगी, 2 मिसिंग में वहाँ 2 आएगी, 3 मिसिंग में वहाँ 3 इक्वेशन आएगी, तीनों को इक्वल टू 0 पुट कर दो, तीन वेरिएबल आसानी सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर। ये इसमें दिए हैं, देखो मैंने 1 मिसिंग, 2 मिसिंग, 3 मिसिंग, तीनों दे दिए हैं, आप उनको आसानी से कर दिए। न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, ये सारे मैंने इसमें डाल रखे हैं, देखो आप इसको आराम से कर लो, मैं ये PDF को डाउनलोड इसमें अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको डाउन क्लियर कर लेना, ठीक है। देखो ये देखो एस्टिमेट f 2042 कहाँ आ रहा है, नियर द एंडिंग, तो इसमें उन्होंने नाम नहीं दिया बैकवर्ड, भाई 42 की वैल्यू निकालनी है तो 40 45 के मिड में आ रही है, तो आपको क्या निकालना है भाई, सीधा सा है कि भाई न्यूटन बैकवर्ड। देखो यहाँ पहले 29 वाले क्वेश्चन में 15 की वैल्यू नहीं है, तो 15 लाइज बिटवीन 10 एंड 20, तो देन वी यूज न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, f(42) नियर द एंड ऑफ द टेबल, सो हियर वी यूज न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला। सो नेक्स्ट इज द बाई यूजिंग लैग्रांजेस एंड, मैंने की क्वेश्चन में दोनों दे दिए, बाई यूजिंग लैग्रांजे एंड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। देखो 5 7 11 13 17 की अगर बात करूं, तो इसमें ना इक्वल इंटरवल नहीं है, जो 7 माइनस 5 2 है, 11 माइनस 7 4 है, 13 माइनस 11 2 है, 17 माइनस 13 जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहे हैं, तो इसमें न्यूटन डिवाइडेड और लैग्रांजेस का यूज करेंगे, क्लियर। इस तरह से ये पूरी यूनिट आपको 28 मार्क्स देगी। अब आते हैं यूनिट टू पर, यूनिट टू वही बंदा कर पाएगा जो न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड के फॉर्मूले पढ़ पाएगा, है ना, तो उनका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, है ना। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा समझाऊंगा अभी मैं आपको, ये लो नेक्स्ट है आपका ये थर्ड। हाँ अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसमें, ये यूनिट टू की बात कर रहा हूँ मैं, न्यूटन जो फॉर्मूला है न्यूटन फॉरवर्ड का, तो आप फॉर्मूले वहां पर खुद बनाना, खुद यूनिट टू में जो डी वाई डी एक्स है और डी टू बाई डी एक्स है, वो आप खुद बनाना, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ मैं, उसका रीजन है, तो मैं जैसे बताना चाह रहा था कि हम यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि और इजी हो जाएगा आपका न्यूटन फॉरवर्ड, क्लियर। कोई बात नहीं, मैं और क्लियर कर दूँ, ठीक है। चलो न्यूटन फॉरवर्ड में चलते हैं। हाँ जैसे फंक्शन ऑफ x0 प्लस, है ना, x0 प्लस nh, ठीक है, आप फॉर्मूला बताओ भाई, क्या याद है आपको, फॉर्मूला याद है, y0 प्लस p इंटू डेल्टा, ऐसे y0 प्लस p
इंटू पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा टू वाई जीरो, पी पी माइनस वन पी माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा थ्री, ये है। और न्यूटन बैकवर्ड की बात करें तो न्यूटन बैकवर्ड, बस फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, याद रख लेना, एक्स एन प्लस पी एच, यहाँ पर पी इंटू एच, ये एक्स जीरो प्लस पी एच, यहाँ पर मैं बता दूं आपको। हाँ तो ये चीज ना इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, 2 मिनट रुको, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल यू आर राइट, पी एच, और ये एक्स एन प्लस पी एच, मैं पी की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ भी अब लिखूंगा, लेकिन उससे पहले वाई एन, देखो जो टेबल होती है उसमें न्यूटन फॉरवर्ड में फर्स्ट वैल्यू, जैसे ये मान लो एक्स है ये वाई है, तो ये एक्स जीरो वाई जीरो, तो यहाँ पर जो न्यूटन फॉरवर्ड में एक्स जीरो आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स एन, मान लो ये लास्ट चला गया एक्स एन, पी सेम होगा दोनों का अलग अलग, यहाँ पर एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच आता है क्योंकि तो फॉरवर्ड है, और यहाँ पर जो पी होगा एक्स माइनस एक्स एन लास्ट वैल्यू, एस तो इंटरवल होता है क्योंकि एस तो सेम होगा, ऐसे यहाँ वाई जीरो आएगा यहाँ वाई एन आएगा, तो वाई जीरो यहाँ आता है वाई एन, ये याद करने की ट्रिक है भाई, ऐसे आप वहां पर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने मुझे मेरा बताना ये था कि पी इंटू डेल्टा, ये देखो तो फॉरवर्ड है ये बैकवर्ड है, पाई एन आएगा तो पी इंटू पी प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा थ्री वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन पी प्लस टू, तो मेरा लिखने का मीनिंग यही है कि भाई वहां पर आपको फॉर्मूले को रट नहीं सकते हैं, वहां पर क्या करना है आपको कि पहले फॉर्मूला लिखना है और उसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू पी करना है दोनों को, तो जैसे इसको ऐसे तो सॉल्व कर लो पहले एग्जाम में पी स्क्वायर माइनस पी, इसका डिफरेंशियल करना, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर इसको डिफरेंशियल कर दो विद रेस्पेक्ट टू पी, दोनों को करना है, तो वहां से जो फॉर्मूले बन जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू पी दोनों को, वहां से आप डी बाई डी एक्स निकाल पाओगे, उसको दोबारा डिफरेंशियल कर दोगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, ऐसे करके सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिनको न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड का फॉर्मूला ये और ये दोनों आता होगा, वो सेकेंड मिनट में से बहुत आराम से नंबर 7 नंबर का आएगा, चाहो तो आप कर लो आज रात, है ना, ये आना ही है आपका, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं फिर दोबारा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके बता रहा हूँ, क्योंकि भाई जब तक तो आप करोगे नहीं ना तो नहीं होने वाला। अब बात करते हैं आगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ना डेरिवेटिव के हैं, तो न्यूटन नी अच्छा डेरिवेटिव में यूज कब करना, जब नियर द बिगिनिंग हो तो आप फॉरवर्ड लगा देना, नियर द एंड हो तो लगा देना भाई न्यूटन बैकवर्ड, क्लियर। यही चीज अपन ना उसमें भी कर सकते हैं, या अनइक्वल के लिए भी, तो दोनों के लिए सेम है। अब डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू पी उसमें करना है, उसमें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स का, क्लियर। अब आते हैं डेरिवेटिव के बाद, सबसे बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में सिम्पसन 1/3 तो बिल्कुल पढ़ लो अच्छी तरह से, सिम्पसन 1/3 का फॉर्मूला, ट्रेपेजोइडल और 3/8, ये तीन हैं जिसमें 3/8 और 1/3 तो आना है, सबसे बेस्ट जो रिजल्ट देता है सिम्पसन 1/3 देता है, इसलिए 1/3 तो आप करके जाइए। एन की बात अगर करते हैं तो एन हमेशा आप ना बेस्ट है, 6 लीजिए, डिवाइड करने का तरीका सबसे आसान 6 के लिए, क्योंकि अगर आप एन 4 लेते हैं, बहुत बच्चे कहते हैं सर एन क्या लें, देखो एन तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, एन हम अगर मैक्सिमम ले लें 6 लेंगे तो 7 ऑर्डिनेट आएगा, अगर हमने 10 ले लिया है तो 11 ऑर्डिनेट आएंगे, तो ये चीज ध्यान रखनी है, वो क्वेश्चन में बोल देता है भाई 6 इक्वल पार्ट, देखो उसमें दे दिया 13 नंबर में, जैसे ये 12 का जो है 6 क्वेश्चन है टेकन 7 ऑर्डिनेट, तो 7 का डिवाइड नहीं करना है 6 का, तो एक ज्यादा होता है हमेशा, तो सबसे बेस्ट जो रिजल्ट होगा वो सिम्पसन 1/3, बिल्कुल उसमें एरर कम आता है, एरर का मतलब है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू एरर्स, ठीक है। तो ऐसे ये आपको करने ही सारे क्वेश्चन है सिम्पसन 1/3 के 3/8 के, तो आप आराम से इसको आप कर सकते हो। अब हमारे पास टोटल 6 मेथड है किसके, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें गॉस एलिमिनेशन हो गया,
है ना, जैकोबी हो गया, ये टोटल 6 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 3 मेथड है अपने पास। उनमें से आप ये याद रखिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गॉस सीडल, इनको आप करके जाएं, गॉस एलिमिनेशन इनको भी आप करके जाइए, ऐसे करके आपको वहां से। तो अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं सर यूनिट टू कितने नंबर की है, तो ये मैं बता दूं, ये यूनिट आपकी ना टोटल 28 नंबर की है, यहाँ से आप आराम से निकाल के ले लेंगे 28 नंबर। क्लियर? डायरेक्ट मेथड में बात करूं तो मैं गॉस एलिमिनेशन है, गॉस जॉर्डन है और ट्रायंगुलाइजेशन, ये डायरेक्ट मेथड में आते हैं तीनों। तो यहाँ से जो डायरेक्ट मेथड में है, जो सबसे है ये थर्ड है, जो क्राउट है और एलिमिनेशन, इनको आप बिल्कुल अच्छी तरह से करके जाइए। इन दोनों मेथड में से एक तो मिल ही जाता है, डायरेक्ट में से एक आता है और इनडायरेक्ट में से एक आता है, तो ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन में मैट्रिक्स मेथड से यूज करना, जो उसके डायगनल है उनके नीचे सारे जीरो कर देना ऑपरेशन से, फिर डायरेक्ट AXB निकाल करके सॉल्यूशन निकाल लेना। और क्राउट्स में, या कहें उसको ट्रायंगुलाइजेशन में, लक्स जो शॉर्ट ट्रिक है, लक्स का आलू का यूज करना, आलू दैट मीन्स A=LU, इसको हम लोग शॉर्टकट में आलू बोलेंगे, और लक्स का यूज करना LUX, तो L फॉर ना लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड U इज द अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये चीजें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है आपको एग्जाम में, तो बहुत आराम से इनको आपको करना है। तो ये याद रखना सबसे बड़ी बात कि जो L है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में, डायगनल 1-1 होना कंपलसरी है। डायगनल क्या है? लोअर में नीचे मैट्रिक्स बनेगी और डायगनल 1-1 होंगे, एल में कंपलसरी है 1-1-1 डायगनल में, और अपर में ऊपर मैट्रिक्स बनेगी, नीचे सारे जीरो होंगे, अपर में डायगनल में 1-1 नहीं होंगे। ये बहुत बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किस में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सिर्फ डायगनल 1-1 होंगे, है ना, ये चीज याद रखना। क्लियर? तो ऐसे आप इनको आप आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं गॉस एलिमिनेशन में, सब जॉर्डन मैंने आपको दे दिया है। अब इटरेटिव मेथड जो हमने अभी बताया, इटरेटिव में 3 है, जैकोबी, गॉस सीडल और रिलैक्सेशन। तो आप जैकोबी बहुत लेंदी मेथड है, ओल्ड वर्जन है कह सकते हैं, गॉस सीडल में हम बहुत लेटेस्ट वैल्यू यूज करते हैं, और गॉस जैकोबी में क्या करते हैं, हम एक स्टेप पिछले वाली वैल्यू को यूज करते हैं, जबकि सीडल क्या कहता है, सीडल में हम बिल्कुल जो वैल्यू आई, जैसे हमने एक्स की वैल्यू निकाली तो वाई और जेड की हम पहले स्टेप की यूज करेंगे, जब जैसे हम वाई निकालेंगे ना तो वाई में हम क्या करेंगे, वाई में एक्स और जेड होगा, तो एक्स जो हमने निकाला सेकंड इटरेशन वो यूज करेंगे और जेड हम पुराना वाला यूज करेंगे, ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है ना। ये टोटल यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट मेथड में से एक और इटरेटिव मेथड में से एक मिलेगा, ये मैं सारे इसमें दिए हैं, तो आप आसानी से करते हैं। मैं बहुत इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको किस तरह से पढ़ना है। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की, यूनिट थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो इसमें जो मेथड्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होंगे वो होगा आपका सबसे फेमस है यूलर मेथड, है ना, तो यूलर मेथड आप बिल्कुल पढ़ के जाइए अच्छी तरह से, यूलर और टेलर और रंगकुटा मेथड, ये आपके क्वेश्चन ऐसे हैं कि आने हैं इसमें से, क्योंकि ये 14 नंबर की यूनिट है, तो मैं आपको बता दूं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा यूलर मॉडिफाइड और रंगकुटा मेथड, ये आप दोनों अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। मैं ये PDF डाल दूंगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं अभी ना अपलोड कर दूंगा इसका लिंक के थ्रू, आप उसको ले लेना। ठीक है, ये मेथड यूज अच्छी तरह से कर लें, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए। मैनिपुलेटर मेथड कर लें आप, थोड़ा सा इसको देख के जाएं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 4 वैल्यू होंगी गिविन होंगी, है ना, तो थर्ड 3 वैल्यू दी होंगी एक इनिशियल वैल्यू को मिला करके, तो चौथी निकालनी पड़ती है, उसको चेक करना पड़ता है, मैनिपुलेट कैसे करेंगे फिर उसको करेक्ट करेंगे, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, तो मिलने में ही आंसर लगभग आ जाता है प्रेडेटर में, तो उसको करेक्ट करेंगे पॉइंट डेसिमल से, तो ये चीजें आपको थोड़े ध्यान रखनी है। अच्छा, मैं एक चीज और बताना भूल गया, यूनिट 2 में हम ना आप कैलकुलेटर का यूज जरूर करें, क्योंकि उसका रीजन है कि भाई अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन कोई भी दी गई हो, आपको कैलकुलेटर ना आंसर जरूर देंगे, बिल्कुल देंगे, आप उनको साइड में लिख लो कि एक्स वाई जेड की आंसर जो क्या आने चाहिए, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन में 2 क्वेश्चन आएंगे ना उनके आंसर पहले लिख लेना, कि वो आंसर आपके हेल्प करेंगे आंसर निकालने में, मान लो आपका आंसर गलत आ गया तो आप क्या करोगे, सही वाला देख लेना क्या आ रहा है, तो सही वाला ही लिखना, है ना, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं कि ये पूरे सही वाला लिख के चले जाए, पहले आप अपने कैलकुलेटर से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना, तब जाकर के उसको लिखना, ठीक है, ये तो कैलकुलेटर आंसर दे देगा आपका। और देखो
जो जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई जो इनो टू है उसमें ना एक और ट्रिक मैं मेरे पास अभी याद आ गई, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जो इटरेटिव मेथड है, गॉस सीडल है, उनके एक काम करना, उनकी डायगोनल चेक कर लेना यार। ये देखो गॉस सीडल के जो डायगोनल है, जैसे 27, 15, 54, तो 27 जो हमेशा बड़ा होगा वो अपने अगले से 2 के बराबर बड़ा होता है, 6+1 मॉड होता है, 6+1 7, 27 इज द ग्रेटर देन 6+1। जैसे 15 इज द ग्रेटर देन 6+2, ऐसे 54 इज द ग्रेटर देन 1+1 2। तो डायगोनल जो होंगे वो इटरेटिव मेथड के अपने से दूसरे वाले का सम से बड़ा होगा। अगर मान लो कोई ऐसी इक्वेशन दे दे और आपने अरेंज कर ली, क्योंकि अरेंज कर किए हुए नहीं देते वो लोग, बेवकूफ बना देते हैं, तो आपको पहले तो अपनी इक्वेशन को अरेंज कर लीजिए अगर गॉस सीडल से यूज करना है। अरेंज करने के बाद भी मान लो नहीं हो पा रहा है, डायगोनल आपका बड़ा नहीं आ पा रहा बाकी 2 के सम से, तो आप लिख देना दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व बाई गॉस सीडल मेथड, बिकॉज डिटरमेंट ऑफ A11 इज द ग्रेटर देन डिटरमेंट ऑफ द A12 + A13। ऐसे A22 इज द ग्रेटर देन A21 + A23, A33 इज द ग्रेटर देन A31 + A32। डायगोनल डायगोनल मस्ट बी ग्रेटर देन द अदर्स, क्लियर? ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। अगर नहीं हो तो आपकी मेहनत बच जाएगी, क्योंकि क्यों बच जाएगी, क्योंकि आप ना सॉल्व नहीं कर पाएंगे गॉस सीडल से। गॉस सीडल के मेथड यही है कि वो डायगोनल जो है ना बड़ा होना चाहिए। तो मुझे याद आ गया, मैंने बता दूं आपको, शेयर कर लूं। तो ये रंगे कुट्टा मेथड आप करके जाइए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, है ना, इनको भी आप सॉल्व कर लें। अब बात करते हैं लाप्लास और पॉइजन, इसमें आप पार्सल में चाहो तो ये बॉक्सेस वाले क्वेश्चन जरूर देखे जाएं। इटरेशन है, 4 वैल्यू दी रहे, ये बाउंड्रीज दी रहेंगी, तो इसमें आप स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला से और डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला का यूज होना है। जैसे मान लो U1 की वैल्यू निकालनी है, तो U1 में किसी एक को आपको 0 लेना पड़ेगा, U1, U2, U3, U4। तो जो U1 में U4 को 0 ले लो, तो 60+U4+60+20, तो डायगोनल अपॉन 1/4 ये आता है ना। जब एक वैल्यू U1 निकाल, तो U2 में यूज कर सकते हो, U2 में U4 निकल चुका है, तो U1 अभी आपने निकाला है, तो U1+50+60+U4। जब हम U3 की बात करेंगे, तो U1+U10+10+20+U4, ऐसे करके स्टार्टिंग में डायगोनल, उसके बाद 5 पॉइंट फॉर्मूला का यूज करना है, और उसके बाद गॉस सीडल का यूज करके आप उसकी सारी वैल्यू निकाल लो। गॉस सीडल का यूज होना है, ठीक है? तो यहां से आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। यूनिट 4 में सबसे अच्छा है भैया लाप्लास के फॉर्मूले याद रख लो, लाप्लास के 5-6 फॉर्मूले, लाप्लास ई की पावर ऑफ 80 का फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ ई की पावर वो कॉस 80 का फॉर्मूला, ऐसे ही साइन साइन का फॉर्मूला, फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, है ना, ऐसे करके आप इनके सारे फॉर्मूले याद रख लो, ठीक है? इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। ये भी यूनिट आपकी 14 मार्क्स है, लेकिन कुछ सालों से ये 21 मार्क्स की भी आ जा रही, 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं, और जिसका लाप्लास अच्छा वो इन्वर्स आराम से, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, बिल्कुल घोड़ के पीछे जाओ, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आनी ही है। दो फंक्शन का मल्टीप्लाई आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से करना, अगर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम नहीं आती है, मान लो जैसे मान लो यहाँ से वर्ड हटा दो अप्लाइंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, तो आप इसको किसे करेंगे, पार्शियल पार्सल क्या फ्रैक्शन से, तीन टाइप के पार्सल फ्रैक्शन होते हैं, ए अपॉन प्लस बी अपॉन, एक स्क्वायर वाले है ना, और एक होता है कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन, जैसे इसका a s + b / s² + c s + d / s² + b² ऐसे ही ये पार्सल फ्रैक्शन। अगर कॉन्वोल्यूशन का नाम नहीं लिखा है तो आपको ना पार्सल आपका जो फ्रैक्शन है उसको अच्छी तरह करना पड़ेगा। अब ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, जिसका लाप्लास और इनवर्स दोनों अच्छे होंगे, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिफरेंशिएशन का आप आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो 14 नंबर का आता है, ये या असाइनमेंट है ना, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी होता है, तो पहले लाप्लास लेते हैं, फिर इनवर्स लेते हैं, और उससे आंसर निकल आते हैं, क्लियर? अब बात करते हैं यूनिट फिफ्थ की, ये यूनिट आपको 28 नंबर की देने वाली है, कितनी देने वाली है, 28 मार्क। सबसे अच्छा इसमें बाइनोमियल पॉइजन नॉर्मल, ये आप अच्छी तरह से पढ़ लें, और इन तीनों के जो मीन है और वेरियंस है ये आप करके जाएं बाइनोमियल पॉइजन नॉर्मल के। सबसे बड़ी बात है मैं बता दूं आपको,
बाइनोमियल पॉइजन में सबसे चीज इम्पोर्टेंट है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको कि बाइनोमियल पॉइजन में कब कौन सा यूज करना है। जैसे मान लो मैं बात करूं बाइनोमियल की, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो फॉर्मूला है वो आप बिल्कुल अच्छी तरह रट के जाएं, एन सी आर है ना, पी की पावर ऑफ आर, क्यू की पावर ऑफ एन माइनस आर। इसमें जो है बाइनोमियल में एन इज स्मॉल होगा, क्या होगा पहचान जाना, जैसे एन की वैल्यू 10 है, ये 10 है, ज्यादा 20 15 है ना, ज्यादा बड़ी नहीं होगी। और हम बात करें अगर पॉइजन की, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें क्या होगा प्रोबेबिलिटी जो होगी e की पावर ऑफ माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर ऑफ आर अपॉन फैक्टोरियल आर, ये इसमें एन इज ये होगा बिग होगा कह सकते हैं, बड़ा होगा है ना। जैसे एन इज इक्वल टू 2000, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 2000, 2000 अगर मान लो कोई इंजेक्शन है उसमें से हम निकालें कि भाई दो इंजेक्शन खराब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2000 इज द बिग अमाउंट। तो जो इंडिविजुअल्स होंगे वो बड़े होंगे, और नॉर्मल तो भाई ऐसे भी सबसे है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन में नॉर्मल लिखा रहता है सबसे, ये इनफाइनाइट के लिए है कि बहुत ही, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो आपका ऐसा है। ये इसके लिए आप चाहो तो टेबल मांग लेना, आपको दिक्कत आए ना तो टेबल मांग लेना, टेबल ये 50% इधर होता है, 50% इधर होता है। तो ये मान लो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है -1 से 1 का, तो -1 से 1 का जो एरिया होगा वो एरिया आपका कहाँ से होगा, -1 से 0 होगा, -1 से 0 होगा, और +0 से 1 होगा, तो ऐड ऐड हो जाएगा। अच्छा इसमें एक और फायदा है कि जो -1 से 0 होगा वो 0 से 1 होगा, क्योंकि इसमें सिमेट्री होती है, जितना इधर होगा उतना ही इधर पार्ट होगा, तो 0.5% इधर होगा, 0.5% इधर राइट में होगा, तो 0.5 + 0.5 अगर इज इक्वल टू सम कर दें तो 1, इसका पूरा एरिया जो होता है 1 एरिया होता है, ठीक है? ये चीजें आती, -1 से -∞ to ∞, तो ये पूरा जो -∞ to ∞ इसका जो पूरा एरिया होगा वो 1 के बराबर होता है नॉर्मल में। तो भाइयों बहनों सबसे अच्छी चीज है स्टूडेंट माय डियर कि आप इसमें ना बाइनोमियल पॉइजन नॉर्मल के बिल्कुल अच्छी तरह से इसके मेन और वेरियंस तो करके ही जाए बिल्कुल, है ना? तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से पेपर कर लोगे। और अब आते हैं नेक्स्ट, कि नेक्स्ट इसमें क्या है, जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि भाई जो पॉइजन है वो बड़े के लिए होगा, जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें मैंने दे रखे हैं, 10,000 पैकेट्स हैं, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आएंगे। और इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन के भी कर लेना, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी के एफ एक्स आर इन टू एफ ऑफ आर वाले क्वेश्चन, जो इसमें बाइनोमियल और पॉइजन मैंने दोनों दे रखे हैं, तो इसी तरह से आप करना। और बेस्ट विशेज है मेरी सबके लिए, और कोई दिक्कत हो आप तुरंत आप मुझे मेल कर सकते हो, है ना? और अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर करो यार, है ना? मैं 1000 के नियर पहुंचने वाला हूँ, और ये मेरे स्टूडेंट ने ही चैनल स्टार्ट किया था, और स्टूडेंट की वजह से 1000 पता नहीं चला बहुत जल्दी पहुंच गया, सब स्टूडेंट की बदौलत है। और अच्छी तरह से दें, मैंने बार बार किया कि बहुत सारी चीजें हैं ना आप आराम से कर सकते हो, किस पर कर सकते हो, जैसे कि कैलकुलेटर पर डिपेंड रहना है, इसमें कैलकुलेटर ले आना बिल्कुल ना भूलें, और एक ही स्टेप आराम से बटन दबा दबा करके इसका ये आएगा, है ना? तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों जरूर बोलें। तो थैंक यू टू ऑल एंड बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से सभी को, ओके? तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड डे, बाय।